आज हम रीड करेंगे मोमेंट्स बुक का सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। जिसके ऑथर हैं रश्किन बोंड। इस चैप्टर में जो स्टोरी बताई है वो एक टोटो मंकी के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, जिसमें नरेटर के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको पालतू जानवर रखने का शौक होता है, और एक दिन वो जो है एक मंकी को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद कर ले आते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं टोटो। टोटो जो है बहुत ही मिस्चीवियस होता है, यानी कि बहुत शरारती होता है। शुरू शुरू में तो उसके जो शरारती होती है उससे परिवार के जो सदस्य होते हैं खुश होते हैं, मजे लेते हैं उसकी शरारतों, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और उसकी शरारतें जो है बहुत ज्यादा लग जाती है, चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है, जिससे जो है जो दादाजी महसूस करते हैं कि उसको जो है जू में छोड़ देना चाहिए या घर पर, मतलब कि वो और ज्यादा टाइम तक उसको नहीं रख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जो टोको जो है जहां तांगा ड्राइवर से वो खरीद कर लाए थे उसी को वापस 3 रुपए में बेच दिया होता है। लेसन को रीड करते हैं। ग्रैंडफादर ब्रोट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर टोटो को तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद लेते हैं। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू। जो तांगा ड्राइवर होता है वो उस छोटे लाल मंकी को जो है टाइड टू अ फीडिंग थ्रू, फीडिंग थ्रू यानी कि खुरली, वो जो उसको खुरली के साथ बांधे रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड। वो जो है मंकी उस प्लेस पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था उनको, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जो, कि वो इस पालतू इसको बंदर को जो है अपने प्राइवेट जू में एड करेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो जो है एक बहुत ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बिन अ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आंखें थी वो चमकदार थी उसकी गहरी आईब्रोज के नीचे। एंड हिज टीथ विच वर अ प्रिटी वाइट वेन वेरी ओपन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। उसके जो मोती जैसे सफेद दांत थे वो उसकी मुस्कुराहट से दिखाई देते थे, वो तो बुजुर्ग जो एंग्लो इंडियन की जो औरतें थी उनकी तो जान ही निकाल देती थी। But his hands looked dried up as through that had been pickled in the sun for many years. उसके जो हाथ थे वो ऐसा लग रहा था मानो सूखे हुए ऐसे थे जैसे कि कई सालों से धूप में उनको रखा गया हो। Yet his fingers were quick and wicked, जबकि उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत तेज और बुरी थी। And his tail, while adding to his good looks, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी वो थी उसकी पूंछ। Grandfather believed a tail would add to animals a good look. Grandfather को लगता था कि किसी की भी पूंछ जो है उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। Also served as a third hand, और यहाँ तक कि वो उसके तीसरे हाथ के रूप में भी कार्य करती है। He could use it to hang from a branch, वो जो है उसको किसी भी टहनी के ऊपर चढ़ने में मदद करती है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग अप एनी डिलीशियस दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और कोई भी ऐसी उसकी पसंदीदा जो चीज होती है डिश होती है उसको उसमें कैच करने के लिए भी उसके हाथों के रूप में वो कार्य कर सकती है उसकी पूछ। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडमदर, जो ग्रैंडमदर यानी कि जो दादी जी थी वो जो बार बार जब वो ग्रैंडफादर जो थे नरेटर के किसी भी जानवर को अपने घर में या बर्ड को अपने घर में ले आते थे उससे बहुत गुस्सा होती थी, झगड़ा करती रहती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंट शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलर गुड मूड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको जो मंकी था टोटो उसको तब तक छुपा कर रखा जाएगा जब तक कि उसका मूड जो है बिल्कुल अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली। जो ऑथर हैं और जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो ऑथर का बेडरूम होगा उसकी दीवार के एक छोटे से पीछे जो स्टोर रूम है उसमें उसको डाल देंगे, और वहां दीवार पे लगी एक जो कोई खुटी उसको टाइट यानी उस पर बांध देंगे अच्छे से। और उन्होंने ऐसे ही किया, उसको जो है उसमें बांध दिया खुट्टी पर जो कि उस बंदर की जो है पकड़ से बाहर थी। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई हैव कम बैक टू रिलीव टोटो, और कुछ घंटों के बाद जब हम जो ग्रैंडफादर एंड आई यानी कि जो ऑथर हैं वो आए रिलीव टोटो को खोलने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। वो उसको खोलने के लिए आए उस खूटी से बांधे हुए से, तब उन्होंने क्या देखा कि जो दादाजी ने सिलेक्ट करके उनके ऊपर जो सजावटी कागज डाला हुआ था दीवारों के ऊपर जिससे वो ढकी हुई थी वो सब फाड़ दी उसने, और वो जो दीवारें हैं बिल्कुल खाली ईटों एवं प्लास्टर वाली हो चुकी हैं।
द पैग इन द वॉल हैड बीन व्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वेन इन शेड्स, और जो दीवार की खूंटी को उसके छेद से खींच कर उसने निकाल दिया था, और जो उसके स्कूल का कोट था उथरखे का जो वहां टंगा हुआ था उसके भी फाड़ दिया था उसने पूरी तरह से। आई वंडर्ड बट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे जो है हैरानी हुई कि अब जो दादी जी हैं क्या कहेंगे, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन जो ग्रैंड फादर थे उनको कोई भी चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लेज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो जो है उनको जो टोटो ने जो कुछ किया था ये हरकत सब कुछ फाड़ दिया था उससे भी खुश थे वो। ही इज क्लेवर, ये बहुत चतुर है। सेड द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा गिव टाइम, इसको समय दो। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। देखिए अगर इसके पास थोड़ा समय और होता ना तो ये जो है इस कोट के टुकड़ों से रस्सी को बनाकर और इस खिड़की से भाग गया होता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी घर में उपस्थिति अभी भी एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशियबली टूगेदर। अब जो है उसको टोटो को नौकरों के जो क्वार्टर थे उसके अंदर एक बड़े पिंजरे में भेज दिया गया था जहां पर बहुत से पालतू जानवर जो हैं वो ही रहते थे, जिसमें था एक टोटोस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ सर्टेन स्क्वायर एंड फॉर अ वाइल माय पेटेड गोट, जो है एक खरगोश रहता था, खरगोश का जोड़ा रहता था, एक कछुआ और जो पालतू गिलहरी थी और एक उसकी जो पालतू बकरी थी वो रहती थी। द मंकी वुड नॉट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, उस पूरी रात जो है वो किसी भी अपने साथी को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो अगले दिन जो है ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून जाना था, तो उन्होंने जो है देहरादून से सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको अपने साथ ही ले जाएंगे टोटो को। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, जो थे कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश मैं जो है उनके साथ वहां पर ट्रिप पर नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन वो जो है आने के बाद उन्होंने मुझे सब इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग ही हैज न्यू अबोर्ड, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा जो थैला था कैनवस का उसमें टोटो को रखा गया। टोटो विद सम स्क्रू एट द बॉटम बिकम हिज न्यू एडोम, और जो है उसके तली में जो थैला था घास फूस बिछाकर उसके लिए एक नया घर सा जो है वो बना दिया था। दिस विद सम स्क्रू वेन द बैग वॉज क्लोज, और जब उस बैग को बंद किया गया देर वॉज नो एस्केप, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो जो है अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिम वे थ्रू, और जो कैनवस था वो भी बहुत मजबूत था ताकि वो उसको काट ना सके। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर, कि जो बाहर निकलने के उस थैले से कोशिश थी उसका सिर्फ यही प्रभाव हुआ कि वो जो थैला या तो कभी फर्श पर लुढ़क जाता या फिर कभी हवा में उछलने लग जाता था। एन एग्जिबिशन दैट एक्सट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड ऑन आउट ऑन लोकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और जो ऐसा ये जो दृश्य था एक तरह से सामने वो जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर उत्सुक दर्शकों की भीड़ को आकर्षित कर रहा था, अपनी तरफ इकट्ठा कर रहा था। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो जो है बैग के अंदर ही सहारनपुर तक रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नसाइट, टोटो सडनली पोकड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन। अब जो है सहारनपुर पहुंचने के बाद जैसे ही जो ग्रैंडफादर थे वो घूमने वाले गेट के पास अपने टिकट दिखाए थे, टोटो ने जो है अचानक से अपना सिर जो थैले से बाहर निकाला और जिससे और टिकट कलेक्टर जो था उसको अपनी एक वाइट ग्रिन एक बड़ी मुस्कान दिखाई। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो जो आदमी था वो पूरी तरह से घबरा गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर अनोयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू, बहुत ज्यादा मानसिक उपस्थित थे जो ग्रैंड फादर थे उनको परेशान करने के लिए वो बोला कि आपके पास जो है ये डॉग यानी कि कुत्ता है, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको जो है इसके लिए भी टिकट के पैसे देने होंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और बेकार में जो दादाजी ने जो है वो टोटो को थैले में से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और वो उसको बेकार में प्रूव कर रहे थे कि एक मंकी है ना कि कोई डॉग है, और इवन एज ए क्वाड्रप या फिर ना ही उसे कोई चार टांगों वाला जानवर माना जा सकता। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग दैट बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो को जो है टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग माना गया। एंड ₹3 वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसको जो है ₹3 उसके किराए के रूप में जो है देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक
took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you change for all animals?" जब जो दादाजी ने अपनी बात रखने के लिए अपने जेब में से अपना पालतू कछुआ जो है और निकाला और कहा, क्योंकि तुम सब जानवरों का किराया देते हो तो क्या मुझे इसके पैसे देने होंगे? The ticket collector looked closely at the tortoise. टिकट कलेक्टर ने टोर्टोइस की तरफ बहुत ध्यान से देखा, prodded it with his forefinger और अपने जो उंगलियों से उसे टटोला और gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No change, it is not a dog." और उसने जो है उसको टटोलने के बाद दादाजी की तरफ प्रसन्नता से देखा और कहा कि इसके कोई पैसे लगे क्योंकि यह कोई डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. जब दादाजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनको एक्सेप्ट करवा दिया एक तरह से कि वो टोटो कोई मंकी नहीं एक डॉग है, तब उसको जो है कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल तबेले में एक आरामदायक स्थान दे दिया गया था। When he had a companion, the family donkey Nana. जहाँ उसकी एक साथी थी एक परिवार की डंकी जो नाना एक गधी जो वहां पर थी जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable. टोटो की जो पहली रात थी वहां पर वो बहुत आरामदायक थी। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपार्टमेंट क्लोज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। उन्हें हैरानी हुई कि जो बिना किसी कारण के वो नाना की जो अपनी उसकी रस्सी थी उसको खींच रहा था, उसके सिर को चारे के बंडल से जितना दूर हो उसके उससे रखने का कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लीप अक्रॉस हर हैंचेस। दादाजी ने जो है उसकी नाना की जो पीठ के ऊपर एक थप्पड़ मारा एंड सेड जर्क्ड बैक और उसको ड्रैगिंग टोटो विद हर और जो है वो अपना हाथ खींच अपना साथ खींचते हुए पीछे हटी टोटो को। ही हैड फैसनटेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। वो जो है अपने तेज छोटे दांतों से उसके जो लंबे कान थे उनसे चिपटा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। टोटो और नाना में कभी दोस्ती नहीं हुई। अ ग्रेट ट्रीट फ्रॉम टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय द ग्रैंडमदर फ्रॉम हिज बाथ। टोटो को जो है सर्दी की जो शाम होती थी उसके लिए सबसे महान दावत जैसी बात यह थी कि उसको गर्म पानी का बड़ा सा बाउल कटोरा सा दिया जाता था जो दादी जी उसको नहाने के लिए देती थी। ही वुड कैनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। वो बहुत चालाकी से जो है पानी के टेम्परेचर को अपने हाथ से छूकर महसूस करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ और धीरे धीरे जो अपने कदम पानी में नहाने के लिए रखता था। फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन बी मी डूइंग। जैसे पहले एक पैर फिर दूसरा पैर जैसा कि वो मुझे नहाते हुए देखता था किसको ग्रैंड फादर को। अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक और वो तब तक पानी के अंदर जब तक कि उसकी गर्दन जो है पानी तक गर्दन Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. और जब वो बिल्कुल comfortably वहां सेट हो जाता तब वो अपने हाथ में सोप साबुन लेता और उसको हाथों और पैरों पर लगाता and rubs himself all over और सारे शरीर पर उसको मलता था। When the water become colder, जब पानी ठंडा हो जाता he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी ठंडा हो जाता तो वो उसमें जितना जल्दी हो सके उस पानी में से निकलता और अपने आप को सुखाने के लिए रसोई की आग के पास चला जाता था। If anyone laughed at him during this performance, और अगर कोई भी ऐसा करते हुए उस पर हंसता था टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन टू दिस बाथ। टोटो की जो फीलिंग्स है वो हर्ट होती थी और वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सेस्ड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार जो टोटो है अपने आप को पूरी तरह से जिंदा जला पा सकता था। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी। एक जो है बड़ी केतली चाय बनाने के लिए आग के ऊपर रखी हुई थी रसोई में एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। और टोटो को जब कुछ करने को नहीं मिला डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसने जो है उसके ढक्कन को उतारने का फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। जब उसने महसूस किया कि पानी जो है उसके लिए बिल्कुल सही है नहाने के लिए ही गोट इन वो उसके अंदर चला गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल और अपना सिर जो है उस केटल से बाहर निकाल रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। ये कुछ समय के लिए ठीक था अंटिल द वॉटर बिकम टू बॉइल। लेकिन जैसे ही पानी गर्म उबलना शुरू हुआ टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल। टोटो ने अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। लेकिन बाहर ठंड महसूस करता वो फिर से बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। वो कुछ देर तक लगातार कूदता रहा ऊपर नीचे अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्डेड हिम। जब तक कि दादी जी जो है वो नहीं आ गई और उसको बचा नहीं लिया।
आधे हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द किटल, आधे उबले पानी में से उसको बाहर नहीं निकाल दिया तब तक। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। फिर दिमाग का कोई भाग विशेष तौर पर शरारत को समर्पित होता है तो वह भाग जो है टोटो के लिए विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टर्निंग थिंग्स पीसेस, उसको जो है हमेशा चीजों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े करता रहता था। व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टियर टू अ होल इन इट। अगर जो है उनकी आंटी यानी कि चाची जो उसके पास जाती तो उसकी जो ड्रेस थी उसको पकड़ने की कोशिश करता, उसमें होल्स करने की जो है कोशिश करता। वन डे एट अ लंच टाइम, एक बार दोपहर के खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक जो पुलाव डिश बनाकर उनको सेंटर में डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी गई। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हमने रूम में एंटर किया हमने देखा कि जो टोटो था वो चावलों को खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रैम्ड, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तब टोटो ने जो है एक प्लेट उनकी तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रश्ड इट फॉरवर्ड, एक जब मेरी जो आंट है वो उसकी तरफ भागी, एंड ही रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तब उसने अपने आप के उसके ऊपर जो टोटो ने है एक का ग्लास फेंक दिया। मैंने ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब ग्रैंडफादर आए टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, तो टोटो ने क्या किया जो पुलाव की डिश की प्लेट में था जिसमें, उसको उठाया और वहां से खिड़की से भाग गया। वी फाउंड हिम Found himself in the branches of the jackfruit tree. हमने जो है उसको कटहल के वृक्ष की टहनियों के पीछे बैठा हुआ देखा। The dish still in his arms, और वो जो डिश थी पुलाव की वो उसके अभी भी हाथों में थी। He remained there all afternoon, पूरी दोपहर वो वहीं पर रहा। Eating slowly through the rice, धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। Determined और finishing every grain, और हर एक दाने को जब तक खा लिया। And then in order to spite grandmother, फिर जब जो है दादी जी को परेशान करने के लिए, he threw the dish down from the tree, उसने जो वो डिश थी वो पेड़ से नीचे फेंक दी। And chattered with delight when it broke into 100 pieces, और जब उसके टूट कर 100 टुकड़े हो गए थे तो वो खुशी से बहुत चिल्लाए। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long, अब जो है प्रत्यक्ष रूप से बात ये थी टोटो पालतू जानवर नहीं था, उसे ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहां तक कि ग्रैंडफादर ने भी ऐसा ही महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कीप नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस्ट ऑफ डिशेस, कहते हैं कि अब जो है हमने इस बात को महसूस कर लिया था, हम इतने अमीर भी नहीं थे कि जो वो चीजों को तोड़ रहा था उसको बर्दाश्त कर सके, जैसे कि उसने डिशेस को, क्लोथ्स को, कर्टेंस को, वॉलपेपर को उसने बार बार फाड़ रहा था, इससे होने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द तांगा ड्राइवर, तब ग्रैंडफादर ने तांगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस बेच दिया, सो फॉर ओनली 3 रुपीज, सिर्फ 3 रुपए में।